हे नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। MI One फोन अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपके लिए है बहुत ही गुड न्यूज दोस्तों। MI ने फिर से ओरियो का अपडेट देना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अपडेट नहीं किया है या फिर आपको अभी तक अपडेट आपको नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर कैसे आपको अपडेट करना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरियो का जो बग्स वाला अपडेट है वो कर लिया था तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों MI ने ओरियो का अपडेट देना बंद कर दिया था, यहाँ पे फिर से अपडेट देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या पंगा था यहाँ पे आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मोहन टेक्निकल। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्यों अपडेट मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन जो ये है कि यहाँ पे Xiaomi ने बता किया था दिसंबर के अंदर आपको अपडेट दे देगा ओरियो का, तो इसलिए अपडेट तो दे दिया। लेकिन यहाँ पे हड़बड़ी के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारा बग्स उसमें रह गया, ढंग से वो अपडेट नहीं मिल पाया था। और यहाँ पे दोस्तों बग्स जो था यहाँ पे बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत लोग यहाँ पे कंप्लेंट भी किया उसको कि भाई ये बग्स है। अगर आपने जो पिछले वाला अपडेट है वो किया होगा तो यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे कभी कभी जो ब्लूटूथ है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था, कभी कभी ये होता था बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होता था। और यहाँ पे बहुत लोग ये कंप्लेंट किया कि बैटरी भाई बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारा बग्स था इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों बताया सब लोगों ने कि भाई ये बग्स है तो ये चल रहा है। तो यहाँ पे Xiaomi ने क्या किया, वो अपडेट देना ही बंद कर दिया उसको। और फिर से नया वाला जो ये अपडेट आया है तो यहाँ पे साइज बता देता हूँ आपको जो नया वाला अपडेट आया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है, आपका नोगाट पे ही चल रहा है, तो यहाँ पे आपको 1112 MB का क्या लगभग वो साइज है, आपको पूरा अपडेट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपने अपडेट कर लिया था तो यहाँ पे आपके लिए 89 MB का कुछ छोटा सा अपडेट दिया है तो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको करना है। सेटिंग में जाने के बाद, गूगल फ्रेमवर्क में जाने के बाद क्लियर डेटा करना पड़ता है, उसके बाद हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, आप कर ले अपडेट। और यहाँ पे दोस्तों ये नहीं मत समझो कि यहाँ पे ये अपडेट में कोई बग्स नहीं है, यहाँ पे भी मैं चेक किया थोड़ा थोड़ा बग्स अभी भी है। और यहाँ पे हाँ, बैटरी जो परफॉर्मेंस था तो वो बहुत ही बेटर हो गया पहले से, तो ये आप निश्चिंत रह सकते हैं इसके ऊपर, बैटरी बहुत ही जल्दी आपका ट्रेन नहीं होगा। तो अपडेट कर लीजिए नया वाला जो अपडेट आया है। तो अगर दोस्तों जल्दी चाहिए तो यहाँ पे आपको वो करना है जो मैंने वीडियो के अंदर बताया है। अगर दोस्तों आप वेट कर सकते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दे देगा अपडेट कुछ दिन के बाद। तो यहाँ पे मर्जी आपका है, अगर जल्दी से करना है तो यहाँ पे जाओ, मेरा प्रोसेस को फॉलो करो, यहाँ पे आपको वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद अपडेट जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वेट कर सकते हो तो कुछ दिन वेट कर लो तो आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा ऐसे भी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत थोड़ा ख़राब है फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया, आप लोगों का ताकत है यार, प्यार है, इसीलिए जो उसमें आके वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं यार बहुत बुखार है, तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया है, क्या बताऊँ आपको। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।